व्हाट्स अप गाइस, दिस इज नवीन एंड हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज मैं आपको टॉप 3 iOS 17 थीम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंड हमारी फर्स्ट थीम जिसका नाम है SV App, सिंपल इसको डाउनलोड मारें एंड अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों नीचे में आपको एक डॉक बार भी देखने को जाता है। ऊपर हमें कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर मिलता है हमें डायनेमिक आइलैंड। जब भी आप कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करोगे तो उस टाइम ये एक्टिवेट हो जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। काफी कमाल का एंड ब्यूटीफुल कंट्रोल सेंटर है एंड ये दोस्तों ब्लरी इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ से सेटिंग को ओपन करते हैं तो सेटिंग भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाती है। जो इसके आइकन्स है ये भी आपको चेंज देखने को मिल जाती है। वैसे इतनी कुछ खास सेटिंग नहीं है, और दोस्तों जो इसका डायलर है वो आपको यहाँ पे iOS वाला देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ऑसम बात है। जो हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है, जो आपको कुछ इस टाइप के इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों जब आप स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाई मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सारे लॉक स्टाइल के साथ आता है। अगर आप यहाँ से कॉर्नर से स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक iOS वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। एंड ऊपर आप देख सकते हैं जो इसका लुक है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो तो यहाँ पे भी जो आपका म्यूजिक है उसको आप ओपन कर सकते हो। एंड ये दोस्तों वर्किंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो गई। बाकी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है। बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जिसकी एनिमेशन आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने के नीचे मिलता है हमें एक फोकस मोड एंड नीचे दो शॉर्टकट्स। एंड दोस्तों अगर आप इस पूरी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे बॉटम में डबल टैप करना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोड ऑफ फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिनको दोस्तों आप वन बाई वन चेक कर सकते हो। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो काफी सारी जो वॉलपेपर है वो भी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल में ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ही जो वॉलपेपर है वो अनलॉक मिली है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे डे 11 पे आपको काफी सारी जो वॉलपेपर है वो अनलॉक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थीम की। एंड हमारी सेकंड थीम जिसका नाम है SKALUTEX, सिंपल इसको डाउनलोड मारें एंड अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन है इसके वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड थोड़े से लार्ज है, तो आप देख सकते हैं ऊपर हमें कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर मिलता है हमें डायनेमिक आइलैंड। जब भी आप कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करोगे तो इस टाइम ये एक्टिवेट हो जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो इसके आइकन्स है ये भी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ये भी दोस्तों ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है। सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं जो इसके आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों जब आप इसका UI देखोगे तो काफी हद तक आपको iOS वाला देखने को मिल जाता है, बट दोस्तों पूरी तरीके से iOS तो नहीं है, बट आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस थीम का जो हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है, आप देख सकते हैं जो हमें कुछ इस टाइप के इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। एंड स्वाइप डाउन करके तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाई मोड देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की ऊपर विजेट देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ से स्क्रीन पर डबल टैप करते हो तो यहाँ पे जो AOD मोड है वो भी आपका एक्टिवेट हो जाता है। बॉटम की बात करेंगे तो बॉटम में आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप प्रेस एंड होल्ड करके इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड उसके नीचे मिलता है हमें एक फोकस मोड एंड दो शॉर्टकट्स। खास फीचर देखने को मिलता है, जब भी आप यहाँ पे अपनी कोई फिंगर को कुछ इस टाइप से मूव करते हो तो आपको एक जेस्चर इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ऑसम लगता है। एंड इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप पूरी लॉक स्क्रीन को अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो सिंपल आपको बॉटम में डबल टैप करना है, जहाँ से आप देख सकते हैं हमें काफी सारे जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप दोस्तों वन बाई वन इनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी फाइनल थीम। हमारी फाइनल है लास्ट थीम जिसका नाम है बैलुक बुक, सिंपल इसको डाउनलोड माइंड अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। आइकन्स की बात करेंगे तो ये भी आपको कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड काफी ब्यूटीफुल आइकन्स है। नीचे में हमें एक डॉग बार भी देखने को मिल जाता है। एंड बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। ऊपर हमें कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है एंड उसके ऊपर मिलता है हमें डायनेमिक आइलैंड। जब भी आप कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करोगे तो उस टाइम ये एक्टिवेट हो जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो इसके आइकन्स है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ये भी आपको ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है। एंड इस तरीके से जब हम सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाती है। एंड इसके जो आइकन है आप देख सकते हैं ये भी हमें कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों जब आप यहाँ से नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हैं, जो इसका UI है वो आपको यहाँ पे वर्टिकल टाइप में देखने को मिल जाता है। एंड जो इसका हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है, जो हमें कुछ इस टाइप के इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, जब आप कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करोगे तो उस टाइम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है।
बाकी अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपका जो स्टैंड बाई मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड अगर आप यहाँ से डबल टैप करते हो स्क्रीन पर तो वो आपका एओडी मोड वो भी एक्टिवेट हो जाता है। बॉटम में हमें यहाँ पे एक फोकस मोड देखने को मिल जाता है एंड दो शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इस लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना चाहते हो तो सिंपल आपको बॉटम में डबल टैप करना है एंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वॉल पेपर देखने को मिल जाती है जिनको आप दोस्तों वन बाई वन चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नीचे में भी जो कुछ इफेक्ट है वो देखने को मिल जाता है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप अप्लाई वॉलपेपर इंसर्ट में जाके आप डेप्थ वॉलपेपर का भी मजा ले सकते हैं, एंड यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो विजिट का एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपने बोरिंग फोन को कस्टमाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।